And typhoid, you know, symptoms. Typhoid is a disease, and its symptoms are high fever, headache, constipation. Constipation होता है कि मोशन नहीं, आपको पॉटी नहीं आती है, दैट इज कॉन्स्टिपेशन. स्टमक पेन एंड डिस्कम्फर्ट, राइट? तो ये सिम्टम्स है टाइफॉइड के. तो अब हमने देखना टाइफॉइड होता क्यों है. टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. ये बहुत बड़े बैक्टीरिया है जो दिख रहे हैं हमें माइक्रोस्कोप के अंडर. अदरवाइज बैक्टीरिया हमें नजर नहीं आते विद अवर नेक्ड आईज, है ना. विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट वी कैन नॉट सी बैक्टीरिया. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द, यस, द गर्ल इन द येलो शर्ट, फोर्थ रो कॉर्नर में जो गर्ल बैठी है एक्स्ट्रा चेयर पे, आ जाओ इधर, नहीं दूसरे वाले माइक के पास आ जाओ, इसकी आवाज नहीं आ रही, दूसरे वाले जो फर्स्ट बेंच के आगे है. कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द टर्म माइक्रो बेटा? वेरी स्मॉल. वेरी गुड, दैट इज वेरी स्मॉल. बैठो बेटा, वेरी गुड. सो माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म. द ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी स्मॉल इन साइज दे आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया. सो वट आई हैड यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन दैट दीज आर द बैक्टीरिया विच कॉज टाइफॉइड. सो हाउ द टाइफॉइड, जब इंफेक्शन हो जाती है तो हम उनको क्योर करने के लिए क्या देते हैं? रेज योर हैंड, वट वी गिव, डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं जब इंफेक्शन हो जाती है? हाँ जी बेटा, उधर से फर्स्ट बेंच से नहीं, वो जो प्लेन शर्ट में एक लड़का बैठा है, आई होप व्हाइट शर्ट है, यस, लेफ्ट साइड पे जो एक्स्ट्रा चेयर में बैठे, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ. एक जीके का क्वेश्चन है, सबको पता है कि जब इंफेक्शन हो जाती है कौन सी मेडिसिन डॉक्टर देता है बेटा? हाँ पता है आपको कि नहीं? मैम इसकी आवाज नहीं आ रही है, देखना जरा. हाँ नो प्लीज जो, अच्छा जोर से बोलो, क्या देते हैं आपको? नहीं बेटा देखो, चलो मैं बताती हूँ आपको. एंटीबॉडीज देता है, एंटीबायोटिक्स देता है, एंटीजन्स देता है, या कुछ और देता है? डॉक्टर क्या देते हैं बेटा? एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक्स देते हैं, बस यही पूछा था मैंने आपको. बैठो. अगर किसी को टाइफॉइड हो जाए तो ये पता है इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. एंड व्हाट इज द टाइफॉइड ट्रीटमेंट? दैट इज वेरियस एंटीबायोटिक्स, सिप्रोफ्लॉक्सिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल, ऑल दीज आर एंटीबायोटिक्स. सो बैक्टीरियल डिजीजेस आर क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स. डू यू एग्री, यस और नो? सबने जोर से बोलना है जैसे ग्राउंड में हम बोलते हो. अब जो एंटीबायोटिक्स है वो कहां से आई? पहली बात तो है मतलब कि एंटीबायोटिक्स होता क्या है. एंटी मतलब अगेंस्ट, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. सो दोज सब्सटेंसेस और केमिकल्स विच किल या विच आर अगेंस्ट माइक्रोब्स आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स, ठीक है. तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? दीज आर केमिकल्स अगेंस्ट माइक्रोब्स. बिल्कुल बेटा अब जो लिखना बाद में, पहले मेरी बात सुन लो, है ना. जब मैं कहूंगी लिखना तो लिखना, पहले सुनो कि हमेशा इंसान जमीन लेने के लिए क्या किसी डॉग से लड़ाई करता है? नहीं, किससे लड़ाई करता है? दूसरे इंसान से, इजंट इट? यस. हमारी जो वॉर्स है वो कोई एलिफेंट्स या कोई टाइगर्स, कोई लायंस, इनसे थोड़ी वॉर्स होती है. हमारी वॉर्स किससे होती है? द अदर ह्यूमंस. डॉग की वॉर किससे होती है? दूसरे डॉग, राइट?
आपने कभी जंगलों का, कभी वाइल्ड लाइफ का देखा हो, कोई चैनल देखा हो, वहां पे अगर हम कहें शेरों की वॉर किससे है, शेरों से है, तो अपने अपने ऑर्गेनिजम्स की अपनी अपनी वॉर होती है, राइट? तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से वॉर नहीं करते, उसको मार के खा जाएंगे शेर, बट उनसे झगड़ा थोड़ी करेंगे। झगड़ा अपने जैसों से ही होता है। इसी तरह से जैसे हम इंसान, ह्यूमन बींग, दूसरे ह्यूमन बींग से झगड़ा करते हैं, कंपीट करते हैं, दुश्मनी रखते हैं, मारते हैं, काटते हैं, तो किसको करते हैं? दूसरे ह्यूमन से। इसी तरह से जो माइक्रोब्स है वो भी किससे दुश्मनी निकालते हैं? दूसरे माइक्रोब से। यस और नो, डू यू एग्री विद मी? रेज योर हैंड्स। यस एवरीबॉडी। किसी ने ना ऐसे नहीं कि चल साथ वाले ने हाथ खड़ा कर दिया, नहीं, जब मैंने कहा ना रेज योर हैंड्स, एवरीबॉडी शुड रेज, जिसको समझ में आया, ठीक है? तो माइक्रोब्स ऑल्सो कंपीट विद अदर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर एनिमीज ऑफ अदर माइक्रोब्स। उनको हमसे दुश्मनी नहीं है, बट किसी कारण से जब वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो एक साइड इफेक्ट है कि हमें डिजीज हो जाता है। अदरवाइज हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी उनकी दूसरे माइक्रोब से ही है, ठीक है? तो हम क्या कहते हैं, देयरफॉर वन कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स सिक्रीट केमिकल्स अगेंस्ट अदर कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। जैसे हम दूसरे ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना, वट एवर इट इज, तो इसी तरह से माइक्रोब्स क्या करते हैं, वन कैटेगरी ऑफ माइक्रोब सिक्रीट केमिकल्स अगेंस्ट अदर कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, एंड ह्यूमंस आर वेरी इंटेलिजेंट। उन्होंने, उन्हें ये चीज पता चल गई और उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया, ठीक है? और उन्होंने इन केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करके क्या बना लिया, एंटीबायोटिक्स बना ली। इज इट राइट? एक माइक्रोब है, माइक्रोब ए, बैक्टीरिया ए, इट इज सिक्रीटिंग केमिकल अगेंस्ट टाइफॉइड बैक्टीरिया। तो हमने इस केमिकल को, ये बैक्टीरिया हमें नुकसान नहीं करता, इट इज नॉट यू नो पैरासिटिक ऑन ह्यूमन, इट इज नॉट कॉजिंग एनी डिजीज, बट इट इज सिक्रीटिंग केमिकल्स अगेंस्ट, या इट इज सिक्रीटिंग सम केमिकल्स दैट आर इफेक्टिव अगेंस्ट टाइफॉइड बैक्टीरिया। तो हमने वो केमिकल निकाल कर एंटीबायोटिक्स बना ली। अब अपने असाइनमेंट या जो भी आपके पास है कॉपी वहां पर लिख लो, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, तो आंसर आपने लिखना है एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स विच आर सिक्रीटेड बाय वन कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, विच आर सिक्रीटेड बाय वन कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स अगेंस्ट अदर माइक्रोब्स, अगेंस्ट अदर माइक्रोब्स। ठीक है जी, यस। विच वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड? सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी? रेज योर हैंड्स। यस देयर इज वन बॉय, सेकंड रो की थर्ड रो। हां जी बेटा, खड़े होके यहीं से जोर से बोलना। हाँ, पेंसिलिन। वेरी गुड, पेंसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक। जिसको नहीं पता लिख लेना। फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज
पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड वॉज पेनिसिलिन। डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर इसके बाद इसको नोबेल प्राइज भी मिला था बेटा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसने डिस्कवर की थी, कैसे डिस्कवर की, कैसे पता चला, ध्यान से देखो। मैं स्टोरी इसकी थोड़ी सी बताती हूँ आपको, कि उसने ना वो काम कर रहा था माइक्रोब्स पे। ये एक पेट्री डिश हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है कल्चर मीडियम होता है बेटा, न्यूट्रिएंट मीडियम, वो डाला हुआ था। और इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, बैक्टीरिया की ये कॉलोनीज थी। ये बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, तो ऐसे बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनी। कुछ उसकी गलती से, या आई डोंट नो, कोई उसका जो भी उनके अंडर काम करते थे उसकी गलती से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वेंट फॉर ए ट्रिप फॉर 1 वीक। 1 वीक के लिए वो किसी ट्रिप पे चला गया, वो कहीं बाहर चला गया, वो ख्याल नहीं कर पाया। और उसका जो स्टूडेंट था उसने भी बहुत ज्यादा, वो शायद अपने फ्रेंड्स के साथ मस्त रहा और उसने बहुत ज्यादा ख्याल नहीं किया। और उसके बाद जब वो 1 वीक के बाद आया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या देखा बेटा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि इसमें बैक्टीरिया की जगह, बैक्टीरिया तो ग्रो कर ही रहे थे, बट साथ में फंगस ने ग्रो करना शुरू कर दिया। है ना, ऐसे नहीं ग्रो कर सकती। जब तक हम बेटा, जब भी लैब में कल्चर करते हैं ना, हम प्योर करते हैं, हम नहीं चाहते कि बैक्टीरिया वाली प्लेट में जो है वो फंगस ग्रो करे, या फंगस वाली प्लेट में बैक्टीरिया ग्रो करे, ठीक है। बट हमारी गलती की वजह से ये हो सकता है, और किसी गलती की वजह से ये हुआ कि फंगस ने ग्रो करना शुरू कर दिया। और बैक्टीरिया थे तो थे, बट जहां पे फंगस ने ग्रो किया वहां पे बैक्टीरिया मर गए, उसके आसपास भी बैक्टीरिया मर गए, ठीक है। पहले तो उसको दुख हुआ, उसने कहा क्या है, सारी मेरी करा कराया काम खत्म हो गया। उसने अपने स्टूडेंट को डांटा भी कि क्या है, खराब हो गई सारी प्लेट, है ना, फंगस ग्रो कर गई। बट सडनली व्हाट ही ऑब्जर्व, सडनली उसके माइंड में आया कि अरे, जहां पे भी फंगस ग्रो कर रही है वहां पे बैक्टीरिया है ही नहीं है, कहाँ गए, उसके आसपास भी बैक्टीरिया नहीं नजर आ रहे, किधर चले गए, कहाँ गए, क्या हुआ। मैं तो देख के गया था कि सब पूरी प्लेट पे बैक्टीरिया है, तो उसके दिमाग में आया कि फंगस मस्ट बी सीन, जो है उसने कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही है जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया मर गए। अब उसने बैक्टीरिया का ख्याल छोड़ दिया, उसने क्या किया, ये फंगस निकाली और इस फंगस को पीसा, उसको ग्राइंड किया, उसका जूस निकाला। और फिर उसने ऐसे, क्योंकि बैक्टीरिया वाली प्लेट्स बहुत पड़ी थी, उसने उस जूस को उस बैक्टीरिया वाली प्लेट पे डाला। एंड आफ्टर फ्यू डेज ही ऑब्जर्व दैट ऑल बैक्टीरिया फ्रॉम द प्लेट गेट्स वेल। ही वाज एंथुजियास्टिक, ही बिकेम वेरी हैप्पी कि यस, आई हैव फाउंड समथिंग विच कैन किल बैक्टीरिया। नहीं तो ऐसे लगता था बैक्टीरिया तो मर ही नहीं सकता। तो उसकी ये, उसके स्टूडेंट की गलती से, है ना, गलती, उसने अपने स्टूडेंट को डांटा तो बहुत था, बट यू नो ही डिस्कवर्ड समथिंग दैट दिस फंगस वाज, इस फंगस का नाम क्या था बेटा, इस फंगस का नाम था पेनिसिलियम। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको बता रही हूं। और ये कुछ केमिकल सिक्रीट कर रही थी
जिससे काफी टाइप के बैक्टीरिया मर जाते। एंड बेस्ड ऑन दिस द नेम ऑफ द फंगस ही कॉइंड द टर्म यू नो पेनिसिलिन। उसने उस केमिकल को, इस फंगस से जो केमिकल निकला उसको प्यूरिफाई किया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे फ्लोरे एंड चेन, चलिए वट एवर, उन्होंने इस केमिकल को प्यूरिफाई करके इसको लार्ज स्केल पे बनाया और फिर छोटे छोटे वॉयल्स में पैक कर दिया। एंड यू नो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर उन्होंने ये, ऑल्दो बहुत ज्यादा इस पे काम नहीं हुआ था, वॉर छिड़ गई थी, तो उन्होंने फिर भी डॉक्टर्स को ये चीज प्रोवाइड की कि जो इंजर्ड पेशेंट्स है वो बेचारे सेप्टिक से मर जाएंगे, आप ये लगाकर तो देखो। एंड मेनी सोल्जर्स दे सरवाइव, दैट इज व्हाई पेनिसिलिन इज कॉल्ड एज वंडर ड्रग। इसने वंडर कर दिए थे और इसी कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है, ये कौन आ रहा है, सेवंथ सी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज गिवन द नोबल प्राइज। इज इट ओके, समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स किस में से मिलती है? माइक्रोब से मिलती है। कौन से माइक्रोब से मिलती है? दैट इज बैक्टीरिया एंड फंजाई। एंड सॉरी मुझे दीज आर सिक्रीटेड बाय माइक्रोब्स एंड दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट माइक्रोब्स। तो अब आपने क्या देखा, डिजीज किसने किया, माइक्रोब्स ने किया कि किसी और ने किया? और उसका जो क्योर था एंटीबायोटिक्स, वो किसने बनाए, माइक्रोब्स ने कि किसी और ने? इसका मतलब अगर माइक्रोब्स डिजीज कॉज करता है तो वहीं कोई दूसरे माइक्रोब्स उस डिजीज को क्योर भी करते हैं। आप कभी बेटे पहाड़ों में गए हो? वहां पे है ना, वहां पे अगर आप तो जाते होंगे ना मॉल रोड्स पे एंड ऑल दैट, कभी पहाड़ों पे जाओ ट्रैकिंग पे एंड ऑल दैट, जहां पे जंगल सा हो, तो वहां पे ना एक ग्रो करती है बिच्छू बूटी, है ना, वो टच हो जाए तो वहां पे बहुत सारी ईचिंग शुरू हो जाती है, ठीक है ना। हम जब पढ़ा करते थे यूनिवर्सिटी में एमएससी पीएचडी में, तो हम लोग, क्योंकि मैंने बायोलॉजी में की है, तो वी हैड लॉन्ग एक्सकर्शन ट्रिप्स, ठीक है, हमारे कोई फील्ड ट्रिप्स होते थे, तो वहां पे ना हमें यही होना, हम पहाड़ों पे चढ़ते थे पौधे इकट्ठे करने को, देखने को, तो वहां बिच्छू बूटी हमारे को बहुत लग जाती थी, और वो बहुत मतलब इतनी ज्यादा दर्द भी करती है, इतनी ज्यादा ईचिंग भी होती है। देन अवर प्रोफेसर टोल्ड कि जहां पर भी बिच्छू बूटी होगी ना, वहां पे एक बड़े लीव्स वाला पौधा होगा जिसको हम पालक सा कह देते थे, कि ये पालक जरूर मिलेगा। तो इसलिए जैसे ही आपको बिच्छू बूटी से टच करो, साथ ही उस पालक को तोड़ो और उसको रगड़ लो। तो नेचर ने बेटा, नेचर इज सो ग्रेट, अगर उसने एक हमें प्रॉब्लमेटिक चीज दी है तो साथ ही उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन भी दे दी है। आपको पढ़ाई अगर एक प्रॉब्लम लगती है तो साथ ही टीचर्स आपको दे दी है कि ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। एम आई राइट? ठीक है, तो ये बेटा हमारी जिंदगी का, हमें ना प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए कभी भी, कभी भी। अभी आप छोटे जरूर हो, अभी तो आप मम्मी को पापा को ही प्रॉब्लम देते हो, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको लगता आएंगी, बट इफ यू सी अराउंड देन यू विल सी कि सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज नियर बाय ओनली। हाय मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, हाय मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, हाय क्या करूं क्या करूं, साथ ही किताब है, खोल के बैठो, करके देखो, एंड यू विल सी दैट यू कैन डू। ओके ठीक है, तो इसी तरह से नेचर ने ये चीज दी हुई है, ठीक है। तो इसी, अगर उसने हमें माइक्रोब्स दिए हैं जो हमें बीमारियां करते हैं, तो साथ ही माइक्रोब्स दे दिए जो एंटीबायोटिक्स भी बना रहे। इज इट ओके? राइट, देन व्हेन द पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड, उसे बुखार है, उसे डिजीज है, द डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब कि हल्का खाना खाओ, ब्रेड खाओ, कर्ड खाओ, ठीक है। एंड यू नो ब्रेड जो है, ब्रेड बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? हाँ, हम ब्रेड के लिए क्या करते हैं, हम पहले फ्लावर लेते हैं, फ्लावर मीन्स
वीट फ्लावर, मैदा ले लिया। आजकल तो होल वीट भी मिलती है, बट हमने मैदा ले लिया, उसको हमने नीडिंग की। नीडिंग मीन्स उसको हमने गूंद लिया। आफ्टर एडिंग, यीस्ट पाउडर, आफ्टर एडिंग यीस्ट, व्हाट इज यीस्ट? यीस्ट इज ए फंगस, माइक्रोब है ये बेटा। ये फंगस क्या करती है? सेवेंथ क्लास में आपने पढ़ा था फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। यीस्ट की पढ़ी है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन। Yes. इट प्रोड्यूसेस अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यस और नो? Yes. वेरी गुड। ठीक है, तो ये यीस्ट क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो आटे में, जो शुगर होती है, बेटा हर चीज में शुगर है, जो आटे में शुगर है उसको यीस्ट यूज करती है एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम यही बात करते हैं। तो इससे क्या होता है, दैट इज जो फ्लावर, जो हमारा राइजिंग ऑफ डो, डो मतलब जो हमने आटा गूंदा था वो फूल जाता है। ठीक है, और फिर हम उसको क्या करते हैं, फिर हम एक बेकिंग के लिए, जो भी उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है या बर्तन होता है बेकिंग का, ब्रेड बेकिंग के लिए, उसमें वो आटा डाल देते हैं, जो वो पूरी रात करके फूल गया था वो हमने डाल दिया, और उसको हमने ओटीजी या लार्ज अवंस में रख दिया जिसमें बेकिंग के बाद ब्रेड मिल। राइट, इसी तरह केक्स का होता है। केक्स में भी हम मिक्स करते हुए साथ में यीस्ट डाल देते हैं। आजकल तो चलो और कुछ भी डाल देते हैं, बट यीस्ट जो इंडस्ट्रीज में अगर जाएं तो वो यीस्ट डालते हैं। यीस्ट क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है और उसको डो को राइज कर देता है। जब बेकिंग होती है बेटा, क्योंकि डो में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है इसी कारण वो फूल गया, जब बेकिंग हाई टेम्परेचर पे जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बाहर आती है, और जब वो बाहर आ जाती है तो वो ब्रेड में, केक्स में छोटे छोटे छेद कर देती है, जिसके कारण ब्रेड केक्स बहुत क्या होते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं। इज इट राइट? सो विच कॉम्पोनेंट ऑफ यीस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड केक्स? तो हम क्या कहेंगे, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। वाई द ब्रेड, ये देखते हो आप छेद देख रहे हो ब्रेड में जो है छोटे से, तो ये छेद, द पोर्स, द ब्रेड इज पोरस, द केक्स आर स्पॉन्जी ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड दैट एस्केप ड्यूरिंग फर्मेंट, ड्यूरिंग बेकिंग। इज इट ओके? सो विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड एंड केक्स? यीस्ट। यीस्ट इज ए फंगस। ओके, पीछे वाले बोलेंगे सिर्फ, लास्ट वाली रो वाले जोर से बोलना ताकि माइक सुने। विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड? यीस्ट। वेरी गुड। और फिर आ जाता है कर्ड। कर्ड में कौन सा ऑर्गेनिज्म है? वेरी लैक्टोबैसिलस। गुड, वेरी गुड। बैक्टीरिया, हम इसको लैब कह देते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस। लैब का मतलब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस। तो अब बात फिर आ जाती है कि माइक्रोब्स अगर डिजीजेस कर रहे हैं तो वो एंटीबायोटिक्स भी बना रहे हैं, वो फूड आइटम्स भी बना रहे हैं। राइट, चलिए। और अगेन नेक्स्ट, अगर ब्रेड माइक्रोब बना रहे हैं, माइक्रोब्स जो है वो ब्रेड में हेल्प कर रहे हैं, कभी आपने देखा है ऐसी ब्रेड? यस और नो? आज क्या, अगर नहीं देखी होगी ना तो आज ना ब्रेड का एक पीस लेना, छोटा सा पीस ले लेना, उस पे थोड़ा सा पानी छिड़क देना, ये नहीं कि बिल्कुल उसको निचोड़ दो पानी में, हल्का सा उसको मॉइस्ट कर देना, और एक बंद डिब्बी में या टिफिन में या किसी में भी उसको ढक के रख देना, और कल रात को देखना, सुबह ही मत देख लेना, आज जाकर करना, और कल रात को देखना, यू विल सी दिस टाइप ऑफ ब्रेड। राइट, तो इस पे क्या ग्रो कर रहा है? दिस इज फंगस। ये भी आपने सेवेंथ में पढ़ा है, राइजोपस स्टोलोनिफर। दिस इज कॉल्ड एज
ब्रेड मोल्ड एंड इट इज ए फंगस। और आप क्या देख रहे हो कि ब्रेड को बनाने में यीस्ट यूज होती है, दैट इज ए फंगस। और ब्रेड कौन खराब कर रहा है, दैट इज राइजोपस विच इज ऑल्सो ए फंगस विच इज ऑल्सो ए माइक्रोब। तो अगर ब्रेड बन माइक्रोब से रही है तो वो खराब भी माइक्रोब से ही हो रही है। इज इट राइट, यस और नो? ओके, तो अब हम क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब है कि जो माइक्रोब्स है हमारे वो क्या है, दे आर अवर फ्रेंड्स एज वेल एज फोज। फोज मीन्स एनिमीज, राइट। तो अब आपको ये पता चल गया कि माइक्रोब्स क्या है, दीज आर अवर फ्रेंड्स एज वेल एज एनिमीज, ठीक है। तो चलिए जी, तो अगर हम माइक्रोब्स की बात करें तो देयर आर हार्मफुल माइक्रोब्स एज वेल एज यूज़फुल माइक्रोब्स। यूजफुल माइक्रोब्स। हार्मफुल माइक्रोब्स में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, सेकेंड इज माइक्रोब्स विच कॉज रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स सड़गल जाते हैं, फ्रूट्स एंड फूड्स, दीज आर हार्मफुल माइक्रोब्स। एंड डू यू रिमेम्बर जब हमने नाइट्रोजन की बात की थी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्स करके अमोनिया बनता है, नाइट्रेट्स बनते हैं, नाइट्रेट्स प्लांट्स लेके जाते हैं, प्लांट्स की डेथ के बाद फिर अमोनिया बनता है। बट कुछ माइक्रोब्स जो है वो क्या करते हैं बेटा, इस नाइट्रेट को फिर इसमें चेंज कर लेते हैं, दैट इज डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। इतनी मुश्किल से, इतनी एनर्जी यूज करके नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स बने थे, बहुत एनर्जी यूज होती है। बट दीज हार्मफुल बैक्टीरिया अगेन चेंजेस दिस नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन, ठीक है। वो सारी एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है बैक्टीरिया की, हमारी तो क्या। सो अनदर इज डी नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। इज इट ओके, यस और नो? एवरीबडी बी एक्टिव। अब जो है हम बात कर रहे हैं कि यूजफुल माइक्रोब्स कौन से हैं। विच फॉर्म, ध्यान से सुनना है, विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इन अवर गट। गट क्या है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी गट में यूजफुल बैक्टीरिया भी है जो हमें विटामिन्स देते हैं, दे आर यूजफुल माइक्रोब्स। सेकेंड इज माइक्रोब्स विच फॉर्म
एंटीबायोटिक्स. माइक्रोब्स विच फॉर्म कर्ड, ब्रेड, योगर्ट, एटसेट्रा. इडली, डोसा, है ना, ये सब फूड आइटम्स जो बना रहे हैं. एंड अनदर इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. एंड अनदर इज, वैसे तो बहुत सारे यूजेस है, बट अनदर इज डीकम्पोजर्स. अगर डीकम्पोजर्स नहीं होंगे तो जमीन पे, अर्थ पे हमारे रहने के लिए एक इंच भी जमीन नहीं मिलेगी, बिकॉज देयर विल बी डेड ऑर्गेनिजम्स ऑल अराउंड, राइट. सो व्हाट द डीकम्पोजर्स डू, डीकम्पोजर्स हेल्प्स इन स्केवेंजिंग या क्लीनिंग ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स. यू नो बेटा, आप सबको पता है कि हम जो है, हरिद्वार अगर आप गए हैं, जो हम कहते हैं हर की पौड़ी, है ना, वहां पे लोग इतना गंद डालते हैं, है ना, चाहे उनके रिलीजियस सेंटीमेंट्स ही है, कपड़े भी उसके अंदर है, इतने सारे फूल है, पत्ते हैं और बहुत सारी चीजें हैं. और यू नो जो हमारे यहाँ कल्चर है कि भाई डेड बॉडीज के बाद जब हम उनको जला देते हैं, कर देते हैं, जो उनकी अंत्येष्टि है, जो लास्ट में बचता है, वो भी हमने गंगा में जाकर ही बहाना है, ठीक है. तो फिर भी गंगा का पानी, हर की पौड़ी से पानी लो तो वो सालों साल तक नहीं खराब होता, वो वैसे ही रहता है. नलके का पानी भर के रख लो 4 दिन, उसमें फंगस बैक्टीरिया आने शुरू हो जाएंगे. बट वाई? बिकॉज इट हैज सम यूनिक बैक्टीरिया, है ना. रिलीजियस सेंटिमेंट्स आर सम अदर, बट एट हरिद्वार, स्पेसिफिक इन दैट रीजन, हर की पौड़ी वाले रीजन में जो है यूनिक बैक्टीरिया, वो कहीं और नहीं. मे बी आगे का क्या, उस वाटर के क्या क्वालिटी है कि वहां पे कुछ बैक्टीरिया मिलते हैं विच आर स्ट्रॉन्गली डीकम्पोजर्स. वो उस मैटर को, जो भी ऑर्गेनिक मैटर, पत्ते, फूल, ये वो जो भी जा रहा है, उसको बहुत जल्दी डीकम्पोज कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां का पानी बहुत साफ सुथरा मिल जाता है, खराब नहीं होता. सो डीकम्पोजर्स है वहां तो, बहुत स्ट्रॉन्ग डीकम्पोजर्स है. अदरवाइज प्लांट का कितना मैटर गिरता रहता है, और कुछ टाइम बाद देखते हो आप, ना इकट्ठा करो, कुछ ना करो, थोड़े टाइम बाद देखते हो कि वो सब खत्म हो जाते हैं, वो पत्ते सड़ गल जाते हैं. कैसे? विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर बैक्टीरिया, राइट. तो डीकम्पोजर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्पोजिंग ऑफ द डेड मैटर फ्रॉम द अर्थ. इज इट ओके? ठीक है. तो बेटा आपके पास, पहले तो हम बात करें, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है. तो अगली बार हम इससे आगे चलेंगे. आज मैंने आपको ये थोड़ा सा, एक इंट्रोडक्शन हमने दी है.